ये बात सुनने में कितनी अजीब लगती है कि समुद्र के हजारों मीटर नीचे बारिश होती है, लेकिन ये बात सच है और इस बारिश को मरीन स्नो भी कहा जाता है। और समुद्र की गहराई में कुछ ऐसे जानदार भी रहते हैं जहां पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, वहां पर टेम्परेचर नेगेटिव और सनलाइट का नामो निशान भी नहीं होता। ओशन की क्रशिंग डेप्थ में रहने वाले कुछ मिस्टेरियल के बारे में जानते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। वैसे तो ओशन दिखने में बहुत खूबसूरत दिखाई देता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। जो समुद्र हमें बाहर से देखने में इतना खूबसूरत दिखाई देता है, अंदर से वो इतना ही खतरनाक है। ओशन के 100 मीटर नीचे ऐसी जगह स्टार्ट होती है जहाँ पर पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा और टेम्परेचर माइनस में होता है। इन शोर समुद्र की इस गहराई में काफी कुछ नया देखने को मिलता है। ओशन की सर्चिंग के लिए इसको 5 जोन में डिवाइड भी किया गया है। सबसे पहले वो जोन स्टार्ट होता है जो ओशन की 200 मीटर की गहराई है, और ये डीप वही होता है जहां पर सनलाइट की रोशनी भी पहुंचती है। अगर ओशन की 200 मीटर की गहराई से भी नीचे जाएं तो एनवायरनमेंट चेंज होने लगता है। वहां पर सनलाइट काफी कम पहुंचती है, इसलिए इसे लाइट जोन भी कहा जाता है। अगर ओशन की 4000 मीटर गहराई में जाएं तो वो पॉइंट आता है जहां पर टेम्परेचर जीरो होता है, और वहां पर इंसानों का सर्वाइव करना तकरीबन नामुमकिन है। एंड द मोस्ट शॉकिंग थिंग, ओशन की ऐसी जगह भी मौजूद है जहाँ पर गहराई 6000 मीटर से भी ज्यादा है। ओशन का ये हिस्सा जिसे हेडल जोन भी कहते हैं, इसकी गहराई 6000 मीटर से लेकर 11000 मीटर तक है। ओशन के इस जोन में सनलाइट ना होने की वजह से फोटोसिंथेसिस नामुमकिन है। ओशन के जिस हिस्से में सनलाइट नहीं पहुंचती, वहां पर भी सनलाइट से पैदा होने वाले पेड़ पौधे मौजूद हैं, और इन्हीं पेड़ पौधों की वजह से ओशन में लाइट इन्वॉल्व करती है, जिसके एग्जाम्पल वेम्पायर स्क्वाड है। ये काफी खतरनाक होता है, जिसकी वजह से इसको वेम्पायर कहा जाता है। ओशन में सबसे शानदार वैम्पायर स्क्विड को कहा जाता है। इसकी लेंथ 30 सेंटीमीटर और मास 0.9 किलोग्राम होता है, जो बैथिक जोन में 100 से 400 के प्रेशर में भी रह सकता है, और 600 से 900 तक इसकी ओशन डेप्थ है, जहां बगैर किसी एडवांस सबमरीन्स के जाना इम्पॉसिबल होता है। और ये वैम्पायर स्क्विड हजारों साल पहले बगैर किसी सनलाइट के समुद्र की गहराइयों में रहते हैं, और इनका खाना मरीन स्नो ही होता है, जो ओशन के हजारों मीटर नीचे बारिश होती है, जिसकी बात वीडियो के स्टार्ट में की गई थी। और यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि इतनी कम खुराक में ये जानदार किस तरह सर्वाइव कर पाते हैं। इसका मेटाबोलिज्म इस तरह का होता है कि ये कम खुराक में काफी देर तक सर्वाइव कर सकते हैं। इनका मेटाबोलिज्म रेट इतना कम होता है कि ये एक दिन में सिर्फ 45 कैलोरी बर्न करते हैं, यानी कि इस जानदार को एक दिन में 0.03 किलोग्राम ही फूड चाहिए होता है। और इनका मेटाबॉलिज्म रेट कम होने की वजह से ये बगैर खाए पिए 200 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। इसकी आई बाल का साइज 20 सेंटीमीटर से लेकर 30 सेंटीमीटर तक का होता है, लेकिन ये अपनी आंखों का इस्तेमाल शिकार से ज्यादा खुद को बचाने के लिए करते हैं। ओशन में ब्लू वेल एक ऐसा जानदार है जो इसका शिकार करने से नहीं डरता। और सेकंड नंबर पे आती है द ग्रीन शॉर्क। ये ओशन में सबसे बड़ी तैरने वाली फिश है, और ये ओशन के काफी गहरे पानी में रहती है। और एक साइंस एनालाइज के मुताबिक ओशन को अभी तक सिर्फ 5% स्टडी किया गया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और मजीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।